हम अक्सर सुनते आए हैं कि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है, जबकि सच्चाई ये है कि इंसानी दिमाग की जानकारी को केंद्र में रखकर कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे दिमाग की हार्ड डिस्क कितना होगा, हमारा दिमाग कितना जीबी या कितना एमबी डेटा स्टोर करने की क्षमता रखती होगी। तो कई वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रेन की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी 1 टेराबाइट से 2.5 पेटाबाइट्स तक होती है। यहाँ हम आपको बता दें कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 जीबी एंड 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1000 टेराबाइट। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता रखता है। जब आप सोच रहे होंगे कि इंसानी दिमाग के डेटा कैपेसिटी की ये जानकारी वैज्ञानिकों ने कैसे निकाली होगी, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंसानी दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं, जो 1000 ट्रिलियंस तक जोड़ सकता है। समय के साथ ये न्यूरॉन्स स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि संयोजन क्षमता बढ़ा सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि इसी कनेक्शन को मेडिकल साइंस की भाषा में स्नैप्स कहते हैं? और आपको बता दूं कि इन्हीं कनेक्शन में डेटा स्टोर होता है। अब जब आप 100 बिलियन न्यूरॉन्स को 1000 सिनेप्टिक कनेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 100 ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स यानी कि 100 टेराबाइट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिले जब मैं इसे अपलोड करता हूँ।